शिव गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं शिव जी, सच कहते हैं शिव जी, तकदीर बदल जाए। शिव गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं गुरुवर, तकदीर बदल जाए। शिव गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, धूल जो मिल जाए, सच कहते गुरुवर, सच कहते गुरुवर, तकदीर बदल जाए। शिव गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। चरणों का एक बार अगर एक बूंद भी रस मिल जाए ना, तो हर किसी के जीवन तर जाता है। भाट हो, भिखारी हो, राजा हो या रंग हो, सबका जीवन तर जाता है। किससे? गुरु के चरणों का धूल से। जब धूल से इतना कुछ हो सकता है, तो मानिए उनके भक्ति के रस से क्या क्या हो सकता है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कलिजी बन के खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए।
और आइए, जिस इंसान का मन ज्यादा चंचल होता है ना और भगवान के भक्ति में ज्यादा लीन रहता है, आप लोग इस गांव में सबसे ज्यादा शिव चर्चा होती है, बहुत ज्यादा शिव चर्चा होती है ना। और हर लोग को देखिएगा, कोई भी कार्य करते हुए बस शिव गुरु का भजन ही गाता रहता है। तो जो सच्चे भक्त है वही ये काम करते हैं कि कोई भी काम करे तो भजन गाते रहे, है ना। कहा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है, शिव गुरु तेरे चरणों की गढ़ धूल जो मिल जाए। और किसी का मैं नहीं बता सकती, मगर जो गुरु के चरणों से गिरता है ना, गुरु के नजरों से जो एक बार गिरता है वो कभी दोबारा संभलता नहीं। आप पति के नजर से गिर गए, घर वालों की नजर से गिर गए, दोबारा संभल सकते हैं, क्योंकि वो आपके हमेशा पास रहते हैं। मगर भगवान के जो नजर से एक बार गिर जाए उसे संभलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए भक्त ने कहा, नजरों से गिराना ना चाहे जितने सा जा देना, नजरों से गिराना चाहे जितने सा जा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, गुरुवर तेरे चरणों की गड़ी धूल जो मिल जाए। शामिनी हो मेरी, मेरा दम ही निकल
मिल जाए। गुड़बड़ी तेरे चरणों की बड़ी धूल जो मिल जाए। गुड़बड़ी तेरे चरणों की बड़ी धूल जो मिल जाए। गुड़बड़ी तेरे चरणों की।